निसार साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ और अकबर साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, असद साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ मैं कि फरीन बेगम को जो सो इंसाफ होना है। और कल के दिन अगर मेरे फैमिली में से कोई मेम्बर अगर खुदकुशी कर लेगा इज्जत के बारे में, ये चीज़ के जिम्मेदार जाकिर और जाकिर के पूरे घर वाले और उनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार रहेंगी। और ये बात मैं पूरी मीडिया के सामने बोल दूंगा और ये जो ये इल्ज़ाम लगा के जो मेरे भाई के ऊपर ये तोहमत लगाए सोए, और मैं पूरी आवाम से दरख्वास्त करता हूँ ये सब सारी चीज़ें गलत है कि नहीं, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज जो सो गलत इस्तेमाल करें। इज्जतदार के लिए इज्जत ही काफ़ी रहती है और जो सो बेइज्जतदार के लिए कुछ भी करो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बच्चे का कुछ भी नाम नहीं लिया, हम कुछ भी नहीं करें, खाली फरीन की फोटो दिख रही बोल के हम डाले तो आए। मेरा नाम फरीन है, मेरी शादी होके 1.5 साल हो रहा, शादी होके मेरा 1.5 साल हो रहा, 1.5 साल से टॉर्चर कर रहे, मारना तोड़ना, नंदों को आके रुबीना जो समीना है नंदा मेरे उल्ला भी आके गालियां देते, बातें करते, नीचे एक ननंद रहते, ज़र्रा कुछ भी होते कि आ जाते उन्हें बातें हुए करने के वास्ते। दो तीन महीने अच्छा रहे, उसके बाद शुरू हो गया उन लोगों को टॉर्चर करना, ऐसा वैसा गलत गलत इल्ज़ाम लगाना मेरे साथ, गलत इल्ज़ाम लगा के मेरा फ़ोन भी छीन लिया उन लोगों। आपके ससुराल वाले कहाँ पर रहते हैं? पहाड़ी में। और आप कहाँ रहते हैं? आपके माँ बाप का घर कहाँ है? तालाब कट्टा। ये आपकी जो शादी हुई अरेंज मैरिज है ये? नहीं, लव मैरिज है। आपको टॉर्चर करने की वजह? ये जितना हम लोग दिए ना उनको जोड़े की रकम, वो जितना दिए ना, अभी होना वो चीज़ होना, ये नहीं करे तुम ना वो नहीं करे, या फिर कुछ भी मेरे से गलती हो गई तो बातें करना, गालियाँ देना, मारना, मारते हर बात पे मारते, जैसे अम्मी उनके आके कुछ बोलते ना सारा दिन उनके अम्मी मेरे साथ गालियाँ देते, गलोज करते, सब चीज़ करते, जैसे आती कि अच्छे होके बेटे को सिखा के मेरे को मारने करने लगाते, फिर बोले तो नहीं मारे नहीं करे बोलते, फिर हर चीज़ करते, जैसा मेरे भाई अगर कुछ बात करने के लिए आए ऐसी हर बात मेरी गलती बता के चले जाते उन लोग, भैया लोगों को गलती बता देते मेरी कि ऐसा इन कर रहे बोल के बता के अच्छे बन के रह जाते, और फिर गए बस फिर वैसे ही करते मेरे साथ उन लोगों, फिर वो मारना तोड़ना वो टॉर्चरा करना, अम्मा के मेरे अम्मी के पास लोगन फिर जाते थे मेरे, हमेशा लोगन फिर जाते थे, ना दवाखाने को लेके जाते थे ना कुछ भी नहीं करते थे, ना कुछ भी होते भी मेरे अम्मी के पास जा देते थे कि जाओ तुम्हारे अम्मी मेरे बता लो, हम ना नहीं बता सकते नहीं कर सकते वो ये ऐसे बातें करते थे। क्या काम करते हैं आपके शोहर? कार ड्राइविंग। क्या तनख्वाह है उनके? तनख्वाह तो नहीं। फिर आपको कुछ भी जो है वालदा के पास से पेमेंट ला करो बोल के आपको जो है भिजाया करे? हाँ भिजाते थे जी। लेके आओ आप पैसे लेके आओ, दिए कुछ भी ले जाके दिए आप पेमेंट वगैरह कुछ भी? पैसे तो हाँ लेके जाके देती थी मैं। कितने होती है तक? कितने 1.5 साल के अंदर? ऐसे थोड़े थोड़े 5,000-7,000। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से काम पे है ना? फिर काम पे नहीं है? नहीं है काम पे। कैसा घर कैसा खर्चा कैसा चला फिर आप लोग? मेरे अम्मी देते थे उनको पैसे, हर चीज़ जैसा मेरा खर्चा है ना वहाँ पे हर चीज़ मेरे अम्मी देते थे वहाँ पे, मेरे भाई या मेरे अम्मी देते थे, हर बात पे ये बोलते थे कि तेरे भाई या 5 हैं क्या नहीं कर सकते तेरे वास्ते। शादी होके 1.5 साल हुआ आपके? हाँ। बच्चे वगैरह हुए आपके? नहीं, प्रेगनेंट हूँ, 3 महीने प्रेगनेंट हूँ। कितने महीने से आप यहाँ? वालदा कहाँ है? कब से है? 4 दिन होना लोग गए थे बात करने के लिए, हॉस्पिटल को बता के भिजाए थे हमारे भी लोग भिजाए, तो दूसरे दिन में मारे तोड़े मार के तोड़ के, फिर मेरे अम्मी को दूसरे दिन बुलाए लोग, बुला के मेरे अम्मी को भी मारे लोग सब जने मिल के, रुबीना समीना सास और शोहर मिल के। नहीं नहीं, फिर वायरल हो रहे ना आपकी जो है, आप जो है आप गलत है बल्कि जो है ना वायरल कर रहे हैं ना, पूरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाल रहे हैं, फिर आपके ने क्या प्रूफ है? आपके ने कुछ प्रूफ है आप लोगों के? हाँ मेरे पास है प्रूफ। नहीं नहीं, कुछ आप लोग जो है कुछ उनके साथ जो है एक्सीडेंट कराए बल्कि उन्होंने जो है सब वायरल कर रहे हैं ना? हाँ है प्रूफ। क्या प्रूफ है? आप हॉस्पिटल में थी मैं जी, उन्होंने भी हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में थे? अल्फा। नहीं नहीं, वो टाइम बता रहे ना उन्होंने कुछ टाइम, फिर वो टाइम पे आप लोग कहाँ थे? जो हॉस्पिटल में थे, दवाखाने में, मेरी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में थी। कौन कौन थे आपके साथ हॉस्पिटल में?
मेरे पूरे भाइयाँ थे, अम्मी, बहन, जितने भी मेरे घर पे रहते उतने सब जने साथ में थे। ना गलत इल्जाम लगा रहे कि मेरे घर वाले एक्सीडेंट करा। आप कंप्लेन वगैरह भी करे बोल के है ना? हाँ वहाँ पे करा है ना कंप्लेन। कहाँ पे करे कंप्लेन? जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ना उन लोगों का वहाँ पे कंप्लेन। नहीं आप यहाँ पे आपके पीएस में कुछ कंप्लेन करे बोल के आप लोग? हाँ कटर पीएस में भी कराए थे। उन लोग 3 महीने पहले बहुत ऐसी टॉर्चर वॉर्चर कर रहे थे बहुत। तो यहाँ पे आ गई थी मैं हमारे अम्मी के पास रहने के लिए। आ गई तो भैया लोग समझा रहे थे कि ऐसी जिंदगी नहीं होती, ऐसा नहीं छोड़ सकते, नहीं करते वो ये बोलते। भैया लोग भी फिर से मेरे अभी आपकी वीडियो वायरल हुए बाद फिर आपको उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लेते बोल रहते बोल रहे, फिर आप क्या आपका क्या इरादा है, रह जाते हैं आप क्या बोलते हैं? नहीं रहने का नहीं है, बस उनके ऊपर केस करना है, बस केस करके मेरे को इंसाफ होना। जो ना गलत गलत मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे। वहाँ पे गुलबर्ग को मैं सुसाइड करने के लिए गई थी, फ़ोन करके भाई को बोले कि किसके साथ गए बोल के। फिर मेरे भाई वहाँ पे भी जाते बोले तो मैं सुसाइड के लिए चले गई। तो फिर कॉल करके कैसे वो ने पूछ रहे हो किसके साथ गई थी, ऐसे अल्फाजा कर रहे। मेरे सुसाइड करने का था तो यहीं मर सकते थे ना गुलबर्ग क्यों गए? नहीं मेरे को रास्ता नहीं मालूम था, मैं नहीं मरने का इतना वो शौक था तो हैदराबाद में मर सकते थे आप, गुलबर्ग जाने का कारण क्या है? यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, मैं बस ऐसी निकल गई थी बस इन लोगों के बातों से सुन के। अभी जैसा 3 मंथ्स का प्रेगनेंसी बोल रहे हैं तो आपके हस्बैंड को बताएं आप 3 मंथ्स प्रेगनेंसी है बोल के? हाँ प्रेगनेंसी है बोल के बताए तो भी उनका रिएक्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं नॉर्मली। आपकी सास को आपके ननंदों को बताए थे आप? हाँ सब बताए थे। घर पे गए थे आपके ससुराल को? वहाँ पे थी मैं 3 महीने से मरीज थी तो वो टॉर्चर कर रहे थे। सब प्रेगनेंसी है सो भी दूसरों को नक्को बोले बोल को बोले किसी को नहीं मालूम जैसा रखे थे 3 महीने तक। यहाँ तक मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम जैसा रखे प्रेगनेंसी है बोल के नहीं बोलना बोल के नहीं मालूम जैसा रखे थे। सिर्फ मेरी अम्मी को मालूम था, वो भी हॉस्पिटल बताने के लिए। हॉस्पिटल बताना था ना तो सिर्फ अम्मी को मालूम करो, तुम दवा खाने को जाओ आ जाओ यहाँ पे ख़त्म, किसी को मालूम ही नहीं करना बोल के ये चीज़ बोले थे। आप यहाँ पर जो अभी वालदा के घर पे है ये आपकी मर्जी से आए हुए हैं आप या आपके ससुराल वाले लाके छोड़े यहाँ पे? ससुराल वाले लाके नहीं छोड़े, मार के भी जाए नहीं रख लेते बोल के हकाल डाले। तो अपना वहाँ पे राजेंद्र नगर पीएस गए थे, वहाँ पे केस करे, कुछ भी एक्शन हुए कुछ भी नहीं लेने करने से ना मीडिया में डाले। वजह क्या है आपको मार के हकालने की? पैसों की वजह है, 2,40,000 की मांग करे लोग, हमला नहीं दे सकते। मेरे भाई खा के काम वही करके खाने वाले हो ना, किराए का घर है और लोगों को 12,000 महीने को देना है, ये चीज़ लॉ नहीं कर सकती। ये चीज़ से टॉर्चर कर रहे लोग हमेशा बोलते हैं कि अपना बच्चा काम पे नहीं जाता, उनको काम से लगाना है, लेके आओ तुम इतने लेके आओ, 5 भाइयाँ लेके तुम ना इतने नहीं दे सकते पैसे, वो ये बोल के हमेशा ये चीज़ को टॉर्चर करते लोग। आप ये बता सकते कि वो लोग जो रकम 2,40,000 रुपये किस चीज़ के लिए मांग रहे? अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि जोड़े की रकम भी दिए थे आप लोग? हाँ 60,000 जोड़े की रकम दिए, सोना दिए उनको, पूरा हर चीज़ से दाम दहेज सब चीज़ दिए। फिर उसके बाद शादी हुई से 2-3 महीने के बाद मेरा सोना भी बेच दिए और लगा बेच दे के वो चीज़ उसके भी पैसे वही सब अपन ही चाहिए कर दिए। फिर उसके बाद ये चीज़ मांग रख रहे उन्होंने 2,40,000 दिए उम्र की, तो ये मेरे भाई नहीं दे सकते ना, किराया देना है तालों को, लोगों की अपनी ज़िंदगी से लगे हुए हैं लोग। तो ये चीज़ लेके इसमें को हर बात से बदनाम कर रहे हैं, हर चीज़ से टॉर्चर कर रहे हैं। आज आज आप वुमेंस पुलिस स्टेशन गए थे शायद ना आपको? हाँ क्या बोले आपको? सुबह में काउंसलिंग के लिए आओ बोल रहे ना, फिर से उल्ला भी कुछ भी ज़्यादा एक्शन नहीं किए, 10 बजे आओ बोले काउंसलिंग के वास्ते। तो आपकी कंप्लेंट दर्ज की गई? हाँ दर्ज कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफरोज है। ये जो मेरी रिकॉर्डिंग मैरिड कर रहे हो, हम लोग हाँ बिदर को गए थे मानता में, इतने फोन आ करे उनको, ये देखिए आप। फोन आ नहीं उठाए, मेरी बहन दवाखाने में थी हॉस्पिटल में, अल्फा हॉस्पिटल में, एक बार आके पूछे नहीं कैसी है क्या है बोल के। मैं जब उनको रिलैक्स कराने के वास्ते इधर को लेके गया, मेरे को फ़ोन करके बोल रहे तेरी बहन किसके साथ गई थी, ये रिकॉर्डिंग में है आप देख सकते, किसके साथ गई थी उन्हें बोलो। तो मैं ये अल्फाज बोला, कोई भी भाई रहने दो अपनी बहन के बारे में गलत बोला तो कोई भी बोलते ही है बात,
तीन महीने पहले की रिकॉर्डिंग है ये, अब तक अब निकाल के बोल रहे लोग, ये देख लो आप, डेट तारीख सब होंगी उनके पास। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे ना ये लोग मार देते कर देते बोल के, इसकी रिकॉर्डिंग बताओ बोलो उनको, ये चीज़ का प्रूफ दिखाओ बोलो। ये जो बोल रहे हैं लोग भाया बोले मार देते कर देते काट देते, ये वीडियो में है लोग जो डाले, ये प्रूफ करो बोलो इन लोगों को। हम हमारी बहन को शादी करके दिए सर, अपनी खुशी से शादी करे सर, शादी करने के बाद में ये जो टॉर्चरांग कर रहे हैं उन्होंने अपनी बहन को, क्या कोई भी बिठा लेते घर में, ऐसे अल्फाजाम बोल रहे हैं लोग। मैं इस करीम की अम्मी हूँ। ये लोग जो भी इल्ज़ाम लगा रही हमारे बच्चों के ऊपर उनके ऊपर सब गलत है। बच्चे करे शादी खाली पसंद करे उन्होंने, शादी धूमधाम से अच्छा करी उनकी, समझे। ये लोग जो बोल रहे ना सब गलत है। अगर ये असल शादी हो के इनका 1.5 साल हुआ, दुनिया का टॉर्चर कर रहे वो कर रहे, 3 महीने पहले इन्हें सुसाइड कर लेने चले गए थे। हाँ, मैं नहीं रहती नहीं करती बोल को ये करे थे, बच्चे समझा को कर को नहीं करना बोल को लग जा को छोड़े उनको, फिर 1-4 दिन रख लिए, उसके बाद भेजा दिए। 2 महीने बच्चे यहाँ रही रही तो 2 महीने से उन्हें फ़ोन करे तो एक फ़ोन नहीं उठाया, एक फ़ोन नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, तो बच्ची सुसाइड कर लेती हूँ बोले तो उसको रिलैक्स कराने बोल को मैं दर को हमारे सास के पास लेकर गई थी। लेकर गए तो किसके साथ गई थी, कैसा गई थी, वो बच्चा गया बोले तो सगे भाई इसके साथ ही छा तू कुछ रहे। और माँ मेरे भाई का बच्चा है, वो भाई के बच्चे के साथ हम फंक्शन में गए थे बिधर, वहाँ से फ़ोटो लिए तो वो फ़ोटो में से गैर गलत कौन है कि बोलो ना फ़ोटो डाल दिया गलती से। फिर मेरा भतीजा आपको सब जो है सो वो क्लियर कर दिया सब, ये मेरी बहन है छोटी, मैं फंक्शन में फ़ोटो लिया था करा था उनको। आप ही बताओ उसको जरिए बात पर इतना गुस्सा आता तो उसके बाजू सबों ने अगर फ़ोन कर रही ने पकड़ा तो इसको दम नहीं था जो हमारे से बच्ची को नहीं बता सका सो बताना था, इतनी थी बात बताता था ना उन्हें तो ये बात नहीं बता सकता था। हमारे कम प्रूफ है, अगर उन्हें उसको एक भी प्रूफ बच्ची को मेरे खिलाफ बता दियो बोलो जब उसके बाद बोल रहा हूँ समझे। और अकबर ऐसी असद ऐसी जो भी है मेरी बच्ची का इंसाफ करना, नहीं बोले तो उन्हें सुसाइड कर लेती हूँ बोलिए। अब बाकी में उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। और ये जो एक्सीडेंट वो जो कराए बोल रहे ना, उस वक्त बच्ची मेरी इतनी सीरियस थी, अल्फा दवाखाने में शरीक थी वो लोग, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको बहादुरपुर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखाए थे लोग, और उस्मानिया दवाखाने में भी है उनका, आप जाके प्रूफ कर ले सकते हैं। ये झूठे इल्ज़ाम ना लगा के उन्हें क्या करना चाह रहे हमारे को नहीं मालूम, और हम इनको गैर गलत कुछ नहीं बोल रहे समझे नहीं, हमारे भी पेट में औलाद है, उन्होंने पेट में उनके औलाद रख को उन्होंने झूठ बोल रहे, वो सब अल्लाह देखेगा समझे नहीं। हम बोलते नहीं उनके बच्चों का बहुत कुछ है मगर उनकी जिंदगियां खराब होते हैं उनको, हम कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने हमारे पर चिक्कर उछाल लो क्या भी कर लो हमारे फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा कर को बात कर रहे हैं, हम जो भी वो अल्लाह इंसाफ करेगा समझे। अगर गायब की लाठी पड़ेंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरा नाम शेख तबरेज़ है, और ये सो ये वीडियो जितने भी वायरल हो रहे हैं वो जैसे सब गलत है, इसमें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए सबूत नहीं है बल्कि इन लोगों मेरे खलेरे भाई को इस्तेमाल करें। और जो सो क्या मुमेरा भाई जो मेरे मामू का बच्चा है जो उसके साथ गलत इस्तेमाल करे ना फोटो, भाई के साथ कोई भी फ़ोटो लेना कोई गलत बात है। अब फैमिली मैटर ही फैमिली में कोई हंसी खुशी फिरने के लिए जाता, अब नो खलेरे भाई के साथ ताल्लुकात जुड़ दिए, उन लोगों के पास प्रूफ नहीं है भाई का, और मेरा भाई इसका माइंड फ्रेश करने के लिए बिधर को लेके गए तो उसको पूछ रहे कि फ़ोन करके तो किसके साथ गई, तो कोई भी भाई सग्गा भाई अगर उसको लेके जाता तो किसके भी साथ गई, तो अब इनके भाई के इनके जो भी बहना आते जाते रहते तो वो किसके साथ जाते, बहन हो के जो भाई के साथ नहीं जाएंगी तो किसके साथ जाएंगी। शौहर अगर उतनी जिम्मेदारी अगर उठा सकता तो क्या है बोले तो पूरी जिम्मेदारी उठाना है, जो दवाखाना गोली दवा दरू हर वो चीज़ से करना ज़रूरी। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी किसी की औरत बच्ची करके लेके आऊँ, और उन लोग जो बोल रहे
भगा के ले गया, बल्कि जो बोल रहे हैं मेरे भाया शादी करके एक एक भाई को मैं 4-4 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए जो सो हमला खर्चा करके ले गए। मेरी बहन की शादी इकलौती थी, उन्हें सुबह छोटी थी, जो उसको हमला 6-6.5 लाख रुपए खर्चा करे, हर वो चीज़ से करे उसको। और उसके बाद शादी होने के बाद पूरे बेटे एक जगह रह सकते हैं। मेरे फैमिली में ऐसा मैटर है, जो घर का मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे पूरे भाया 4 जने और 4 मेरे भावाजा पूरे एक जगह रहते, एक जैसे हंसी खुशी परिवार के उसा। मैं इसलिए अलग रहता हूँ कि मेरा घर बस नहीं होता है, सिर्फ मेरे घर पे 4 कमरे हैं, मेरी फैमिली बड़ी है, मैं अकेला करने वाला हूँ, 6 मेंबर मेरे पास है और इन लोगों की मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। और आज भी मेरे खानदान वाले मेरे फ़ख्र करते कि कोई चीज़ से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। और ये बच्ची के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, जो एक कमाई नहीं है बल्कि इस वजह से लगा रहे हैं, 2,40,000 रुपये इसलिए मंगाए। ये लॉकडाउन के इसमें शादी हो गया, 1.5 साल होता, 1.5 साल में उन्हें कभी काम पर नहीं गया, इसको कारोबार डाल के देना कभी किसी वजह से डाल के देना कि इन्हें मेरी बहन को बहुत खुश रखा, क्या मेरी बहन को ज़्यादा जुल्म करा बल्कि इसको कारोबार डाल के देना। और इनके बड़े भाई की जो बात है ना, जो जाकिर मियां के जो बड़े भाई खाजा पाशा जो, उनकी भी बीवी के ऊपर इतना जुल्म करे ना, इसकी कोई इंतहा नहीं है। बड़े भाई को छोटा भाई और अम्मा बहना मिल के मारे, इस वजह से इनकी फैमिली टूटे हुई है। इनके पास सिर्फ इनके दामादा नजदीक रह सकते बेटे ने और न भवान है, ठीक है। इनका एक ही माइंड है, क्या बोले तो पैसे का गुरूर। और ये इनकी जो अल्फा बात जो करने की जो है ना थिंग, इन लोग क्या है एकदम गिरी हुई सोच रखने वाले, समझे। पुलिस वालों को क्या बोलते हैं ना, पैसा देके मैं काम करा दें, तो ऐसा कितना पैसा नवाज दिए भाई, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में देखचे उतार देगा। ये कुछ अल्फाज है, मीडिया को बोले तो, मीडिया के सामने बोले तो इज्जत, प्रूफ नहीं मिला तो इज्जत उछाल दो। ये इज्जत अल्लाह ताला नवाजे से हुई, कोई उछालने से उछलने वाली नहीं है। और अल्लाह चाहे तो मैं इतने दरख्वास्त करता हूँ आपसे, थोड़े ही दिन में अल्लाह चाहे तो आपकी इज्जत, जो हम लोगों की इज्जत नीलाम करने को तो बैठे हुए हैं ना, वो अल्लाह चाहे तो आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। हाँ, ये जो मेरे भाया जो मारते करते बोल के जो अल्फाज जो बोल रहे हो ना, हम लोग से दुश्मनी है, फरीन के भाइयों से दुश्मन, ये क्या बोलते जान का धोखा है बोल के जो बोल रहे हो ना, ये सब गलत है। कहीं को बोले तो शादी से पहले उनके कई सारे ऐसे मैटर है, जो ज़मीन के लिटिगेशन है, जो उन्होंने पहले जो कब्जा करे हुए थे, और इनकी जो जायदाद का जो मसला है ना, ये जायदाद का सो बड़े बेटे के नाम पे थे, तो इसके प्रूफ में, इसके प्रूफ जो है सो उनके बेटे को जो है सो उनके वालिद साहब बोलना चाह रहे थे, ना बोलने नहीं दिए, और उनको भी जो है सो जुल्म दे के मारे सो सुने। और ये अल्फाज जो बोरे ना, धोखा है बोल के बोरे ना, ये सब सारा से गलत है। अगर हम ला मारने वाले रहते तो 3 महीने पहले हमारी जो बहन जो भागी बोल के बोले खुदकुशी कर लेने के आसे जो चले गई थी, तो हम जभी से मार सकते थे। हम लोग को हमारी बहन की ज़िंदगी चाह रहे थे, हम इन्हें हंसी खुशी रहना बल्कि हम उसके हमारी बहन के हम पैर पड़े, हम भाई होने के बाद इज्जत पे बात आती बोले तो हमला पैरा पड़ के हम हमारे बहन को जैसे दलदल में धकल दिए हमने कि तू जाके वहाँ खुश हंसी खुशी रहो बल्कि। तो उसके बावजूद भी उन्होंने 3 महीने की प्रेगनेंसी रहने के बावजूद इतना जुल्म करे ना, औलाद अल्लाह ताला इसको नवाजा जो किस्मत वाला होता, जो उसको किस्मत वाला होने के बाद औलाद को नवाजने के बाद जो सास जो हुई सो पेट पर चुमटियाँ ली और जो सो शोहर मारा और मेरे वालदा को भी मारा, इसका सारा सबूत जो है सो पूरे वीडियो में सो हम लोगों के पास प्रूफ है, हम लोग ये पूरा प्रूफ करने वाले है, ठीक है। और ये मीडिया के सामने भी ये बात बोल रहा हूँ, हक के ऊपर है हमला, अल्लाह हम लोगों का साथ देता और पूरी आवाम मेरे साथ देंगी, वही अल्लाह चाहे तो अल्लाह साथ देना। और मैं केसर साहब से